आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार। तो ट्रेड है क्या चीज़, ये आपको समझना होगा। ट्रेड जो है, ये टॉपिक आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है और क्लास 12th में ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। तो ट्रेड क्या, आइए जाने। द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्री। जब हम कोई सामान या कोई आइटम खरीदते हैं या बेचते हैं कोई दो लोगों के बीच में, जैसे हमने आपको कोई चीज़ खरीदी और आपने उसके मुझे पैसे दिए, या हमने आपसे खरीदी या आप हमसे खरीदते हैं, तो या एक कंट्री से या दूसरी कंट्री में, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, जिसको बिजनेस कहते हैं। तो ट्रेड दो तरह का होता है। पहला आप समझ लीजिए नेशनल ट्रेड क्या चीज़ है। नेशनल वर्ड बोला जाता है राष्ट्रीय ट्रेड, यानी नेशनल ट्रेड क्या होता है। तो नेशनल में नेशन जुड़ा हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे नेशनल ट्रेड क्या होता है। नेशनल ट्रेड एग्रीमेंट आर अरेंजमेंट बिटवीन स्टेट और कंट्री दैट रेगुलेट और आउटलाइन देयर रिलेशन विद ट्रेड। यानी ये ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कंट्री के बीच में ही क्या होता है, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर क्या होता है, बिजनेस होता रहता है। लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ से हमने यूपी से कोई चीज़ खरीदी और यूपी से बाहर किसी स्टेट में बेच दी, तो वो नेशनल, मतलब इंडिया के अंदर ही कोई चीज़ खरीदी या बेची जाती है, तो नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में क्या होता है, बिजनेस होता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो दो कंट्रियों के बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। यानी ऐसा कोई बिजनेस हो रहा हो जिसमें दो कंट्रियां इन्वॉल्व हों, जिसमें आपस में क्या हो रहा हो, लेन देन हो रहा हो, या कोई सामान बेचा जा रहा हो या कोई सामान खरीदा जा रहा हो, तो दो कंट्रियां अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें दो कंट्री आपस में अपना सामान खरीद रही हैं या बेच रही हैं, आप बेचो या हम खरीदें, तो ऐसा रिलेशन इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है बेटा, ये दो तरह का होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अगर हम टाइप की बात करें, तो टाइप जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बाइलेटरल ट्रेड कहा जाता है, और एक होता है मल्टीलेटरल ट्रेड कहा जाता है। तो बाइलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड भी इसको हम लोग बोलते हैं। कहीं कहीं बुक में बाइलेटरल ट्रेड लिखा रहता है, या कहीं कहीं पे बाइलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड लिखा रहता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब यहाँ पे बाई लिखा है, बाई का मतलब होता है दो, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी दो कंट्रियों के बीच में क्या हो रहा है, सिर्फ दो कंट्रियाँ ही इन्वॉल्व हैं। Bilateral trade is the exchange of goods between two nation, promoting trade and investment. जब दो कंट्रियाँ या दो नेशन आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस टाइप का जो ट्रेड होता है या जो व्यापार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, bilateral trade के नाम से जानते हैं। बाई का मतलब दो, और bilateral international trade है, तो इंटरनेशनल का मतलब दो कंट्रियां ट्रेड करेंगी यानी बिजनेस करेंगी, यानी दो नेशन मिलकर एक दूसरे से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरल ट्रेड बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे आपकी कंट्री में कोई चीज़ बन रही है, तो हम वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो उसका प्रॉफिट होगा, तो वो हमको भी कुछ मिलेगा, तो ऐसे भी होता है। तो बाइलेटरल ट्रेड का मतलब है दो कंट्रियां आपस में मिलकर क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं, खरीदती हैं, बेचती हैं। दूसरा आता है आपका मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत। जब हम कोई बिजनेस या कोई व्यापार कई कंट्रियों में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जैसे कि आप समझिए फिर से, मल्टीलेटरल ट्रेड एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में, ताकि उन कंट्रियों की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो कोई ऐसे मान लीजिए इंटरनेशनल कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है जैसे, तो वो कंपनी कई कंट्रियों में,
तो उस कंपनी ने अपना शोरूम या अपना कंपनी कहीं एक दूसरी कंट्री में खोल दिया, एक यूएसए में खोल दी, एक यूके में खोल दी, एक यूरोप में कहीं पर भी खोल दी, या इंडिया में खोल दी। तो ऐसे कई एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा एग्रीमेंट होता जो कई कंट्रियों के बीच में होता, तो वो उस सामान को खरीदती हैं वो सारी कंट्रियाँ और उसी सामान को वो बेचती हैं एक दूसरे को। तो मल्टी मतलब बहुत सारे देश जब मिलकर एक दूसरे से कोई ना कोई खरीदते हैं सामान या कोई सामान बेचते हैं, तो जो भी इस एग्रीमेंट में जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो वो प्रोडक्ट वो उन्हीं के कंट्रियों से ही खरीदेंगे, कहीं दूसरी कंट्रियों से नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो क्या होता है, एक ये एग्रीमेंट होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलता है मल्टीलेटरल इंटरनेशनल। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।